हेलो दोस्तों, तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे आस्क डॉक्टर मक्कड़ चैनल को और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आप देख सकें हमारी लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले। सबसे पहले तो सभी भाइयों को बहनों को नमस्ते, सत श्री अकाल, वनकम। आज की जो वीडियो है ये कोई प्रसन्नता से नहीं मैं लेकर आ रहा। पिछले एक हफ्ते से मुझे लोग फ़ोन कर परेशान कर रहे हैं, डॉक्टर साहब स्पीडोसपर्मा क्यों चाहिए, स्पीडोसपर्मा क्यों चाहिए। अब लोगों ने खरीद कर ये मेडिसिन बाज़ार में से बिल्कुल ख़त्म कर दी है। पहले तो ये लोकल ख़त्म हुई थी, अब ऑनलाइन स्टोर में भी मिलनी कम हो गई है। अब कई कंपनियां इसका बेनिफिट उठा रही हैं, वो हमें स्पेशल मैसेजेस कर रही हैं, डॉक्टर साहब इसके हम चार्जेस दवा के बढ़ाने वाले हैं, आप खरीद लो ये दवा, हम इसको इतने डिस्काउंट में प्रोवाइड करेंगे। देखो, सबसे पहले तो बात है, अगर किसी को कोई दवा चाहिए और कोई दवा काम करती है तो उसको बेचने में हमें कोई संकोच नहीं, मगर हर मरीज़ को स्पीडोसपर्मा बेचने में हमें बहुत ज़्यादा संकोच है, क्योंकि स्पीडोसपर्मा उसके लक्षण के बेस पर दी जाती है और होम्योपैथी में हर दवा उसके लक्षण पर बेस होती है। ऐसा नहीं कि हर मरीज को उठाकर आप स्पीडोसपर्मा दे दोगे, उसको सांस की दिक्कत ठीक हो जाएगी, ऑक्सीजन लेवल बढ़ने लग पड़ेगा। ऑक्सीजन लेवल उन्हीं पेशेंट का बढ़ेगा जिनको स्पीडोसपर्मा सूट करती है। 10 में 1 या 2 पेशेंट ही होते हैं जिनकी सिम्टम सिमिलैरिटी स्पीडोसपर्मा से मिलेगी, हर एक की नहीं मिलेगी। अब इसमें लोग कहेंगे जी होम्योपैथी फेल है, होम्योपैथी नहीं फेल, होम्योपैथ फेल हैं, खासकर वो यूट्यूबर फेल हैं जो कि बेवकूफ़ों की तरह ऐसी वीडियो बना रहे हैं। इनमें कुछ मोहतरमा भी हैं, कुछ भाई साहब भी हैं जो इस पर वीडियो बना रहे हैं और कह रहे हैं जी 10 घंटे में ये ठीक हो जाएगा या 1 दिन में ठीक हो जाएगा। देखो, कोई भी बीमारी आती है दिनों में, जाती है हौली हौली कर, तो कोई भी क्लेम नहीं कर सकता। अगर ऐसा कोई क्लेम होता, CCRH जो हमारी सेंट्रल काउंसिल है, जो लोकल काउंसिल है, इन्होंने पेपर पब्लिश कर दिए होंगे, तो उन्होंने अभी तक कोई पेपर पब्लिश नहीं किया स्पीडोसपर्मा के। जब उन्होंने किए नहीं तो किस बेस पर लोग वीडियो बना रहे हैं? सिर्फ एक बेस पर कि व्यू बढ़ाने हैं, व्यू सब कुछ है और सब्सक्राइबर बढ़ाना सब कुछ है, इससे बढ़िया तो बेवकूफ़ी से बड़ी कोई नहीं है। अर्ध ज्ञान जो होता है ना, खतरनाक होता है। आजकल के लोगों को अपना यूट्यूब चलाने की पड़ी है, उनको इसकी नहीं पड़ी कि हम लोगों में भ्रम फैला रहे हैं। इसी भ्रम ने रेमडेसिविर पूरे मार्केट से ख़त्म कर दी, अब इसी भ्रम ने स्पीडोसपर्मा पूरी मार्केट से ख़त्म कर देनी है। इसमें नुकसान किसको होगा? जिस बंदे को दमा है उसको ये दवा की जरूरत पड़ी, वो ये दवा उसको मिलेगी नहीं तो उसको क्या होगा? उसको मुश्किलें पैदा होंगी। हमें मुश्किल में क्या करना पड़ेगा? हमें इसकी जगह दूसरी दवा देनी पड़ेगी, मगर जो दवा इनको ज़रूरत थी वो दवा हम दे नहीं पा रहे, तो उन मरीजों की सफरिंग इसके साथ आएगी। अब स्पीडोसपर्मा के लक्षण क्या, आप वो समझो। लक्षण है ये पल्मोनरी सेंटर को एक्साइट करती है, पल्मोनरी आर्टरीज को एक्साइट करती है, नर्वस सिस्टम को एक्साइट करती है। तो अस्थमैटिक पेशेंट में ये फ़ायदा करती है जिनमें अस्थमा है। अस्थमा में अगर आप देखो तो अस्थमा में जो नाड़ियाँ होती हैं वो सूंघड़ जाती हैं। वहीं कोरोना के एडवांस स्टेजेज में क्या हो रहा है, लंग्स में पैचेस बन रहे हैं, लंग में ऑक्सीजन आ तो रही है, बॉडी ऑक्सीजन अंदर उतनी ले जा नहीं पा रही और परफोरेशन अच्छी तरह से नहीं हो पा रही। इसीलिए पहले अंडर प्रेशर ऑक्सीजन डाली जा रही है कि उनको मिले। तो अगर कोई भी कहता है कि 10 घंटे में ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो कोई भी दवा ये नहीं कह सकती कि आपको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ेगी। और हाँ, अगर आपको ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल रहे फिर आप ट्राई कर लो, मगर शौक में आप दवाइयाँ ये इकट्ठी मत करो। मुझे सुबह भी एक मोहतरमा का फ़ोन आया, उन्होंने कहा स्पीडोसपर्मा चाहिए, मैंने कहा आपको सांस की दिक्कत है, वो कह रहे नहीं जी नहीं, मैं तो शौक में खरीद कर रख रही हूँ, अगर खुदा ना खासा कल को मेरी ऑक्सीजन कम हुई तब मैं लूँगी। अब इस चक्कर में जिसको दवाइयों की ज़रूरत है, नहीं ज़रूरत, सभी के सभी लोग खरीदें। इंडिया में इतनी बड़ी आबादी है, अगर सभी लोगों ने स्पीडोसपर्मा खरीद ली तो इससे नुकसान क्या होगा? मरीजों को उनकी दवाएं नहीं मिलेंगी, जैसे रेमडेसिविर में ब्लैक चल रही है, इस पर भी ब्लैक चलेगी। और कंपनियां भी क्या करेंगी, फ़ायदा उठाएंगी, इसकी सेल्स जनरेट करेंगी। पहले लोगों ने आर्सेनिक एल्बम की बहुत सेल्स निकाली है, अब वो स्पीडोसपर्मा की सेल निकाल रहे हैं, हमें पर्सनलाइज्ड मैसेज आ रहे हैं, डॉक्टर साहब आप ये दवा लो हम आपको डील देंगे। ये डीलें किसी काम नहीं आने वाली, इस वक्त मानव त्रासदी चल रही है। लोगों में भ्रम फैलाना दुनिया का सबसे बड़ा पाप है, जो आजकल
यूट्यूब पर बहुत लड़के लड़कियां कर रहे हैं, एक यूट्यूब कैरियर पूरी ज़िंदगी नहीं चलने वाला, आपके लिए आपका डॉक्टर का कैरियर सबसे सब प्रथम कैरियर है। आपने मेडिकल ओथ ली है, अगर आप मेडिकल ओथ लेकर 5 साल पढ़ाई कर ऐसे आप घटिया फॉर्मूले देते हो जो लोगों को भ्रम फैलाते हो, उससे बड़ी बेवकूफ़ी नहीं। आज का जो टॉपिक है ये, मैं इसमें थोड़ा सा तहस में आ गया हूँगा, गुस्से में आ गया हूँगा, शायद आपको मेरे फेस पर भी दिखे, मगर ये मेरे मन से भाव निकल कर आए हैं। कृपया आप फालतू में दवाइयाँ मत खरीदो, ये आपके किसी काम नहीं आएंगी।